दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एई के एग्जाम में जो मैकेनिकल का पेपर हुआ था उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हम सीधे बताएंगे कि किसका क्या आंसर है और बाकी इसमें कुछ कोशिश रहेगी हमारी कि गलती ना हो। और बाकी इसमें कुछ गलती रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वीडियो है एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसमें डीवी बाई डी टी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, वी डी बी बाई डी एस, चारों ही सही होने चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए डी। अगला है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कपलर लिंक इन अ फोर बार मैकेनिज्म वुड एक्सपीरियंस। तो इसमें बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन सही हो जाना चाहिए। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो इसका आंसर हैंड पंप यानी बी। अगला है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर इन्वोल्यूट रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट ऑफ 20 डिग्री प्रेशर एंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2/sin²ϕ। तो यहाँ sin²ϕ में जो फाई की वैल्यू है वो आप रख दें 20 डिग्री। तो 20 डिग्री रखने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 18। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट डिपेंड अपॉन। तो यह मास, स्टिफनेस, सेंट्रिसिटी तीनों पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वन क्वार्टरली जॉइंट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी जॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है सीयर सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4r/π। अगला क्वेश्चन देखते हैं द हुप स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ थिक सिलेंडर ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर विल बी टेंसाइल। इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला है कोरिओलिसिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एग्जिस्ट व्हेनेवर अ पॉइंट मूव्स अलोंग अ पाथ दैट हैज रोटेशनल मोशन। इसका आंसर हो जाएगा रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम हिज दैट बोथ एंड इज गिवन एज। तो इसका आंसर है l इक्वल टू l इफेक्टिव लेंथ इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्फीयर ऑफ वेट w रेस्ट इन अ ग्रूव फॉर्मड बाय टू प्लेन ox एंड oy एंड दिस प्लेन्स आर इंक्लाइन एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। If reaction on plane OY is 200 Newton, the value of W will be। तो इसमें लगा देंगे फॉर्मूला जो गिवन है तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 400 Newton। नेक्स्ट है एक मैकेनिज्म हैज 8 लिंक्स 10 रोटेटरी जॉइंट्स यूजिंग द ग्रेबलर्स क्राइटेरिया द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मैकेनिज्म विल बी। तो 3n-1 और -2 जो लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है अंडर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव वाइब्रेशंस आर। इसका आंसर हो जाएगा इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है द स्टैटिक रिफ्लेक्शन ऑफ ए शाफ्ट विद फ्लाईव्हील इज 4 mm व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड। तो रेडियन पर सेकंड में जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 50 रेडियन पर सेकंड। डब्ल्यू वाई W1 इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड W इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रैडिशन एंड W1 इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन देन द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द वाइब्रेशन विल बी आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर टू द हाइट ऑफ वार्ड गवर्नर। तो वार्ड गवर्नर, पोर्टर गवर्नर और वार्ड गवर्नर की अगर देखते हैं बिन द ड्राइवर फुली एंड 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 बेल्ट इज 1% एंड दैट बिटवीन द बेल्ट एंड द 3% द डायमीटर ऑफ फॉर ड्राइवर पुली एंड फॉरवर्ड पुली आर इक्वल देन द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द ड्राइविंग। इसका आंसर हो जाएगा 0.96। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ टू स्प्रिंग ऑफ इक्वल स्टिफनेस यूज इन सीरीज। सीरीज में अगर जुड़े हैं तो आंसर हो जाएगा 1/2। द रेशियो ऑफ टेंशन ऑन टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ ए वेल ड्राइव इज इंक्रीज बाई 20%। अभी इसका कैलकुलेट हो नहीं पाया है। नेक्स्ट है द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ मोर सर्किल डायमीटर रिफ्रिजरेंट। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बोली है जबकि इसमें हम जो लेते हैं वो होता है आपका σ1 और σ2। तो σ1 जो होता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, σ2 जो होता है आपका वो आपका माइनर स्ट्रेस होता है। और द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन स्ट्रेस ये हो नहीं सकता। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन स्ट्रेस ये भी नहीं हो सकता। तो जहाँ तक है शायद इसका नाम अब दीजिए
देख लीजिएगा इसका आंसर। अगला स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन इन अ बीम इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन। अगला है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन, ये हो जाएगा आपका WL³/48θ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगला एक थिन सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस 500 mm थिकनेस, उसका 10 mm है, इंटरनल प्रेशर 5 MPa है, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी आपकी 250 MPa, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। कि पावर ट्रांसमिशन थ्रू शाफ्ट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट इज डबल द टॉर्क इन रिलेशन टू द ओरिजिनल टॉर्क विल देन बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसका आंसर हो जाएगा डबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कुलर एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस एज शोन इन फिगर, तो इसका आंसर हो जाएगा R⁴/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज डबल द यूलर्स बकलिंग लोड विल बी, तो पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। रैंकाइन कॉन्स्टेंट फॉर कास्ट आयरन हो जाएगा 1/1600, तो ये आपका बकलिंग थ्योरी में इस्तेमाल होता है। If the radius of a wire is stretched by a load is double, then its modulus of elasticity will be remains vector, क्योंकि modulus of elasticity इस पर डिपेंड नहीं करती है। अगला है, इन टेंसाइल टेस्ट परफॉर्मड ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द पैरामीटर्स एक्चुअली मेजर आर, तो इसमें हम टेस्टिंग मशीन में लोड और इलोंगेशन को मेजर करते हैं। अगला आ जाता है क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट इज इंक्रीज फ्रॉम 30 mm टू 60 mm इफ ऑल द अदर कंडीशन रिमेन सेम, देन द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी विल आपकी 8 times से बढ़ जाएगी। अगला है, फॉर ए मटेरियल पॉइजन रेशियो 0.3 है, तो ई बाई के में रेशियो पूछा है, जहाँ ई यंग्स मॉड्यूलस है, के बल्क मॉड्यूलस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ एल इज कंस्ट्रेंड इन ऑल डायरेक्शन एंड इज हीटेड यूनिफॉर्मली सो दैट टेम्परेचर इज रेस्ड टू 3°C। इफ अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द क्यूब मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द क्यूब इज, तो इसका हो जाएगा α(t)E/(1-2μ)। अगला है, ए ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम इट्स फ्री एंड द इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सल्फेट इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी इज सुटेबल ऑफ फेलियर इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट द फेलियर ऑफ व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट 400 N एंड टॉर्क दिया है 300 Nm, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट टॉर्क इन न्यूटन मीटर ऑन द मेंबर विल बी, इसका आंसर हो जाएगा 450 N 500। ए स्लाइडर मूव्स विद अ वेलोसिटी वी ऑन द लिंक रोटेटिंग विद अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द कोरिओलिसिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा 2V ओमेगा। आगे चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट अकर ड्यूरिंग मैशिंग ऑफ हेलिकॉप्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर स्पाइरल गियरिंग, इसका आंसर हो जाएगा cos(5+θ+1)/cos(θ-5+1। अगला, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन अ प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम आर σ1 दिया है, σ2 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ध्यान रखना है या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, तो σ1 - σ2/2 अगर करते हैं तो आंसर आएगा 30, वो नहीं है आंसर यहाँ पे, क्योंकि आपने मैक्सिमम पूछा है, 100/2 करेंगे तो 100/2 करेंगे तो 50, दैट मीन्स 50 विल बी द आंसर। अगला, डिफरेंशियल गियर ट्रेन इन ऑटोमोबाइल इज, ये आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ए फिफ्थ गियर हैविंग 200 teeth मैसेज विद अनदर गियर हैविंग 50 teeth दैट इज सेंटर लाइन ऑफ बोथ बीइंग जॉइंड बाय एन आर्म सो हैज टू गियर ट्रेन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, द नंबर ऑफ शेल्स है एन एक्सल थे ए बार प्रोड्यूसेस अ लेटरल स्ट्रेन ऑफ मैग्नीट्यूड 16 × 10⁻⁵ m/m व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 Pa along the axial direction, what is the elastic modulus of material if the Poisson ratio is 0.3, so its answer was gigapascal. Next day, a water main pipe line having 1 meter diameter contains water at a 100 meter, the permissible tensile stress for the material of main pipeline is 25 MPa, what will the minimum thickness of the water main pipe, so its g ki value de rakhiye, to its answer aapka ho jayega 20 mm. next chalte hain, फॉर द मैशिंग गियर देयर मॉड्यूल मस्ट बी द सेम, इसका आंसर हो जाएगा डी।
ट्रांसवर्स वाइब्रेशन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू स्टेबल स्ट्रेस, तो इसमें आंसर है आपका बेंडिंग स्ट्रेस में शाफ्ट आपकी सब्जेक्टेड हो रही है। नेक्स्ट इसका आंसर है, अगला क्वेश्चन आपका है, इन ऑटोमोबाइल हुक्स जॉइंट इज यूज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल। अगला है सिस्टम विल बी इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस व्हेन द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट अगला देखिए, टॉर्सनल पेंडम इज यूज्ड टू डिटरमाइन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, शायद इसका ए एंड बी हो, फिर भी सर कंफर्म कर लीजिएगा, श्योर नहीं हूं मैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नेट इफेक्ट ऑफ क्रीप इन बेल्ट इज टू, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज द स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली, ड्रिवन पुली की स्पीड को कम कर देता है। द स्विंग कपल इज ड्यू टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की वजह से स्विंग कपल होता है। पिच पॉइंट ऑन ए कैम इज, इसका आंसर हो जाएगा द पॉइंट ऑन विच कर्व हैविंग मैक्सिमम प्रेशर एंगल। अगला चलते हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट हैविंग इक्वल स्पीड ऑन इन हुक सॉइल, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फाई इक्वल टू प्लस माइनस कॉस अल्फा। द नेकिंग इन द केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स वी कैन सेट, ये अल्टीमेट पॉइंट पे नेकिंग आपकी स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन टू द डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टैटिक फोर्स इज नोन एज, जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। अगला, एक नोडल पॉइंट इन अ शाफ्ट एट द एम्पलीट्यूड ऑफ टॉर्सनल वाइब्रेशन इज 0 हो जाएगा। द मॉड्यूल ऑफ गियर इज रेसिप्रोकल ऑफ डायमीटर पिच, डायमीटर पिच का रेसिप्रोकल होता है मॉड्यूल। इन अ सिंपल गियर ट्रेन द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द नंबर ऑफ गियर्स आर, यहां पे और हो जाएंगे 5। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो जनरली लाइज बिटवीन, तो -1 से 1/2 के लिए आपका। द नंबर ऑफ लिंक इन पेंटोग्राफ मैकेनिज्म होते हैं 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कपलिंग विच इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलहम कपलिंग। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर है वो अंडर रूट टी अपॉन 3m हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन जनरल टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन क्लच इज गिवन बाय, तो ये है nμwr, जहां पे r जो है मेन फ्रिक्शनल रेडियस है। नेक्स्ट है, पार्शियल बैलेंसिंग इज लोकोमोटिव रिजल्ट इन, आपका हैमर ब्लो है, स्विंग कपल है, वेरिएशन इन अट्रैक्टिव एफर्ट, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ c1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लाईव्हील देन रेशियो ऑफ ओमेगा मैक्स अपॉन ओमेगा इन वो हो जाएगा 2+c1/2-c1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स फॉर द फॉलोइंग फिगर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा म्यू आर अपॉन साइन अल्फा, फ्रिक्शन फोर्स जो है। अगला है, एन इनलाइन फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन इज बैलेंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, प्राइमरी फोर्स, प्राइमरी कपल और सेकेंडरी कपल, तीनों को ही बैलेंस होता है। नेक्स्ट है, ए पॉइंट बी ऑन ए रिजिड लिंक ए बी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू ए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। नेक्स्ट है, द कैप गैप कैप्ट बिटवीन टू एंड वर्क पीस इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग वो हो जाएगा 0.75 mm। अगला, इन मर्चेंट इक्वेशन 2 φ - α + β इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन द चिप थिकनेस एंड द अनकट चिप थिकनेस आर इक्वल 0.45 mm। If the tool rear angle is 0 degree, the shear plane angle जो आपकी हो जाएगी 45 degree। क्या इसका आंसर है? ऑटो कोलिमेटर इज यूज टू ये एंगल मेजर करने के काम आता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। Which of the following is not related to grinding? इसका आंसर हो जाएगा बफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द यूलर स्क्रिपलिंग लोड फॉर ए 2 meter लॉन्ग स्टील रॉड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल हिंज एट बोथ एंड 1 kN, द यूलर स्क्रिपलिंग लोड फॉर ए 1 meter लॉन्ग स्टील रॉड ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हिज डेट बोथ एंड विल बी, इसका आंसर हो जाएगा 4 kN। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट बेस्ड ऑन मेटल डिफॉर्मेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंडिंग। अगला, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड, तो पंच पे क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती है ब्लैंकिंग ऑपरेशन में। डीप ड्रॉइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म इन अ प्रोग्रेसिव डर में आपकी की जाती है डीप ड्रॉइंग परफॉर्म। व्हाट इज ब्लॉकिंग ऑपरेशन, वो होता है प्रोसेस इन ड्रॉप फॉर्जिंग। अगला, डाई इंसर्ट आर यूज्ड बिकॉज, शायद इसका आंसर सी हो, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरनिंग इज अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट इन, आयरनिंग आपकी होती है डीप ड्रॉइंग में। नेक्स्ट है, ऑफसेटिंग ऑपरेशन इज डन ऑन ए मेटल पीस, तो उसमें लेंथ बढ़ती है और रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन, ए और बी दोनों हो जाएंगे। विच ऑफ टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन इज ऑप्टिन मशीनिंग ऑफ थर्मोसेटिंग के लिए, आपकी डिसकंटिन्यूअस चिप हो जाएंगी। अगला है, द मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ ECM एज कम्पेयर टू EDM, तो इसका ये है मोड आंसर हो जाएगा। स्लिप गॉज यूजली मेड ऑफ अलॉय स्टील, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल नेक्स्ट टू डायमंड, डायमंड से अभी आपका क्यूबिक प्रोनाइटेड होता है CBL। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर यूज इन मेन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, तो इसका है सिलेंड्रिकल टाइप इलेक्ट्रोड आंसर। इन विच ऑफ द प्रोसेस देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर जेट मशीनिंग। ड्यूरिंग पंचिंग ऑपरेशन मैक्सिमम शियर कंसंट्रेशन अगर है एज एंड द पंच ऑफ द डाई,
ठीक है, लाइक चलते हैं, कटर ब्रेक्स वाइल कटिंग गियर्स एंड इज रिमूव्ड बाय द ऑपरेटर, व्हाट इज द सुटेबल सिंबल ऑन फ्लो प्रोसेस स्टार्ट फॉर दिस एक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। अगला है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड व्हील इज यूज, तो इसका आंसर है सीम वेल्डिंग। अगला है, स्टेटाइट टूल्स आर, तो ये कास्ट कोबाल्ट अलॉय होते हैं स्टेटाइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फॉर्जिंग ऑफ बोल्ट हेड ऑफ हेक्सागोनल शेप, तो फॉर्जिंग के लिए ओपन डाई ऑफसेट फॉर्जिंग, इसका आंसर हो जाएगा। इन अ सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन ऑफ स्टील विद अ सीमेंटेड कार्बाइड टूल, टेलर्स टूल लाइफ एक्सपोनेंट इज 0.25, इफ द कटिंग स्पीड इज अप दैट टूल लाइफ विल बी इंक्रीज 16 टाइम। अगला, इन केस ऑफ ओपन डाई फॉर्जिंग इनिशियल डायमीटर डी इंट है और फाइनल डी फाइनल है, तो स्ट्रेन जो होगा आपका 2 ln डी फाइनल अपॉन 2 इंटरनल। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन टूल लाइफ इन मिनट्स एंड कटिंग स्पीड जो है वो VT की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, आपका आंसर हो जाएगा। द रोल्स यूज फॉर रोलिंग मिल्स कंटेन द फॉलोइंग, तो बॉडी नेक वेबलर ये सब कुछ इसके अंदर होता है, इसका आंसर ऑल ऑफ द मिल जाएगा। एडवांटेज ऑफ पोल फॉर्मिंग है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती है, बी ए इसका आंसर है। क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड टू डाई इन विच ऑपरेशन, तो पियर्सिंग ऑपरेशन में एक डाई में क्लियरेंस दी जाती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल चार्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव की बात हो रही है, तो आपका याद आएगा सी चार्ट इसका आंसर है। इन मेथड स्टडी वो सिंबल जो होता है ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ SPC, इसका सायर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में सही हो सकता है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन केस ऑफ VDE स्टैंड फॉर एसेंशियल आइटम। नेक्स्ट है, ए टाइप फॉर लिविंग वेरिएबल इन सिंपलेक्स प्रोसेसर इंप्लाइज ऑफ डिजनरेसी होती है। व्हाट इज द बैलेंस डिले इन असेंबली लाइन, तो 100 माइनस लाइन एफिशिएंसी होती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स डिफॉर्मेशन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड जो आपकी डिफॉर्मेशन होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। अगला है, प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पार्ट फैमिलीज दैट यूजेस डाटा फ्रॉम, तो इसका आंसर शायद प्रोडक्शन शेड्यूल हो, नॉट कन्फर्म में आप देख लीजिएगा। अगला है, प्रोसेस इज बिंग कंट्रोल बाई टेकिंग सिंपल पीरियडिकली एंड टेस्टिंग बाय गो नॉट गो गेज, द कंट्रोल चार्ट इसके लिए एक्स और आर चार्ट इस्तेमाल होगा। इन ABC मेथड ऑफ इन्वेंटरी ग्रुप ग्रुप सी कंस्टिट्यूट आइटम हैविंग लो कंजम्पशन वैल्यू, व्हाट इज द यूजुअल परसेंटेज ऑफ सच आइटम, तो इसका 70-80% हो जाएगा आंसर। द लीड टाइम इज इंक्रीज 5-10 डेज, देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसमें रिमेंस सेम रहेगा। अगला है, इन अ सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल लैम्डा अराइवल रेट है और सर्विस रेट न्यू है, तो व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बीइंग आइडल, तो 1 लैम्डा पर न्यू हो जाएगा इसका। अराइवल रेट जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, तो इसका फोरकास्टिंग आंसर हो जाएगा। द फ्रेज हाउस ऑफ क्वालिटी जो है वो QFB से एसोसिएट है। अगला देखते हैं, कंट्रोल चार लिमिट आर चार्ट के लिए होती है, आर प्लस माइनस 3 D3R D2। पेनल्टी कॉस्ट मेथड को हम बोलते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इंटरचेंजेबिलिटी जो होती है वो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 और 119 के आंसर्स पता नहीं आयोग की आएगी, तो जब देख लीजिएगा। अगला है, कस्टमर अराइवल एट अ टिकट काउंटर रेट 50 पर आवर एंड टिकट आर इशूड इन ऑर्डर इन ऑफ द अराइवल, द एवरेज टाइम टेकन फॉर इशूइंग अ टिकट इज 1 मिनट, एज्यूमिंग दैट कस्टमर अराइव्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, द एवरेज वेटिंग टाइम इन लाइक 2 ये आपकी 6 होना चाहिए 6 मिनट। इन एन असेंबली लाइन 5 वर्कर्स आर असाइन टास्क विच टेक्स टाइम 10, 8, 6, 9 और 10 मिनट्स, बैलेंस का 14% हो जाएगा। इफ द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम बिकम हाफ, ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल हो गई है, होल्डिंग कॉस्ट 1/4 है, यूनिट कॉस्ट ट्वाइस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ EOQ, तो EOQ की यहाँ पे हो जाएगी 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए वेरिएबल विच हैज नो फिजिकल मीनिंग बट इज यूज टू ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगला है, ग्राफिक्स मेथड सिंप्लेक्स मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड किससे जुड़ी हुई है, लीनियर प्रोग्रामिंग। अगला है, फुल क्रिस्टल रूल किससे होता है, नंबरिंग ऑफ इवेंट इन नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, क्रिटिकल पाथ इज ए पाथ इन द नेटवर्क डायग्राम विद नो पॉसिबल डिले इन एनी एक्टिविटी ऑफ पाथ। लेकर चलते हैं, इन एन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है ऑप्टिमम लॉट साइज होती है। इन ए कंट्रोल चार्ट यूनिफॉर्मली स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द मीन इंडिकेट्स क्या होता है, एरर इन सैंपलिंग प्रोसीजर। अगला है, इन अ वर्क स्टडी एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट ए वर्कर कंप्लीट अ जॉब इन एवरेज टाइम ऑफ 15 मिनट एंड विद परफॉर्मेंस रेटिंग 120%, द टाइम रिक्वायर हैविंग परफॉर्मेंस रेटिंग 80% टू कंप्लीट द सिमिलर जॉब, तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5 मिनट। अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये आंसर हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्टील की बढ़ाता है वो होता है इसका आंसर कार्बन। अगला, विच इंडक्टर इज यूज टू माइक्रो हार्डनेस टेस्ट, तो इसमें आपका लूप इंडिकेटर।
द प्रोसेस विच डूज नॉट इम्प्रूव द फटिग स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल, जो है उसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हार्डनेबिलिटी ऑफ मेटल जो होती है वो ज्योमेट्री टेस्ट में मिलती है। ह्यूमन अर्थरी गाइडलाइंस जो होती है वो सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन से होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट ऑफ परफेक्टिव प्लास्टिक का जीरो हो जाएगा। बीसीसी का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एपीएफ वो है 0.68 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अगला है द इंटर आइवल कस्टमर एट ए बार्बर शॉप और एक्सपोनेंशियल विद एन एवरेज टाइम 10 मिनट एंड द लेंथ ऑफ सर्विस 6 मिनट अज्यूम टू बी एक्सपोनेंशियल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर अराइविंग एट ए बार्बर शॉप विल हैव टू बी इक्वल टू इसका 0.4 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं फास्फोरस इन कास्टरन इसका आंसर इंक्रीजेस द फेज बाउंड्री बिटवीन अल्फा एंड बीटा उसे बोलते हैं सॉल्वर्स। एन इंपरफेक्शन फ्री क्रिस्टल द रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन विल बी, तो इसका आंसर शायद 0 हो। मलिएबिलिटी ऑफ इस सिल्वर में भी डिटरमाइन, तो कंपैरिजन टेस्ट का आंसर होना चाहिए। लाइन इंपरफेक्शन इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज स्लोकेशन इसका आंसर है। बेकलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट। व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्चर अकर्स व्हेन अ ब्रिटल मटेरियल इज अंडर टॉर्जन, तो इसका हो जाएगा ग्रेनुलर हेलिकोडाइल। अगला जिप्सम सॉल्यूशन इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ रियोपेक्टिक फ्लूइड इसका आंसर है। पीजोमीटर इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड पॉजिटिव प्रेशर मेजरमेंट। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट कॉजेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्म मैट्रिसाइट इनटू ऑस्टेनाइन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1841 हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल कंटेन 3% ऑफ टंगस्टन इसका आंसर है। द बाइंडिंग मटेरियल इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज कोबाल्ट इसका आंसर है। वी डू नॉर्मलाइज स्टील टू इंप्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ऑल ऑफ दिस का आंसर है। द यूनिट सेल विद 3 लैटिस पैरामीटर, तो इसका हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। ए कैटायन वैकेंसी एंड एन एनायन वैकेंसी इन ए क्रिस्टल ऑफ टाइप ए बी इज कॉल्ड इसे बोलते हैं शॉर्टकट इफेक्ट। द रेशियो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट यूनिट सेल डायमेंशन इन आइडियल एससीबी, तो इसका आंसर 1.6। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल इज स्टडीड बाय एक्सरे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगला चलते हैं सरमेट जो होते हैं वो होते हैं मेटल सिरामिक कंपोजिट। द एंगल बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ डायमंड पिरामिड इन बिकर हार्डनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 136 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूल स्टील इज करेक्ट, तो इसका आंसर है फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन जो होते हैं दैट आर कॉल्ड आपका क्यूल स्टील। एजिविंग अटम्स टू बी परफेक्ट स्पेयर व्हाट इज द वैल्यू हाइएस्ट पॉसिबल एटोमिक फैक्टर, तो 0.74 जो कि आपका होता है एफ सी सी में एस सी बी में। द डिफेक्ट विच टेक प्लेस ड्यू टू इनपरफेक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन इसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अगला है रॉकेट कंज्यूम फ्यूल एट द रेट ऑफ 125 kg/s इजेक्ट्स एग्जॉस्ट गैस एट ए स्पीड ऑफ 6 km/s। द थ्रस्ट जो है वो हो जाएगा आपका 10 MN। नेक्स्ट है रिडंडेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है आपका इम्परफेक्ट स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेट दिए 800 और 200 न्यूटन के एक थ्रेड से कनेक्टेड है और न्यू की वैल्यू दी है, तो एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा 0.981 m/s². द गियर ट्रेन यूजली इम्प्लॉयड इन क्लॉक में होती है साइलेंट बैनर्ड गियर। विच ऑफ द गवर्नर स्प्रिंग लोडेड, तो हार्टनेल गवर्नर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की देखिए द डंपिंग रेशियो उसका हो जाएगा 9/16। अगला है द इक्विवेलेंट ऑफ टू फोर्सेस हैविंग 2/3 एंगल बिटवीन देम, तो इक्वल टू आइदर फोर्स हो जाएगा इसका आंसर। टू पार्टिकल विद मासेस 1/9 आर मूविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा 1/3 इसका आंसर है। द नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एसोसिएट विद द कैंटिलीवर बीम अंडरगोइंग द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इसका है इंफिनिटी। नेक्स्ट है स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज टाइड टू द एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड दैट वेट 120 न्यूटन एंड 1.6 मीटर लॉन्ग। द स्ट्रिंग पास ओवर ए नेल सो दैट रॉड हैंग्स वर्टिकली, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इसका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। अगला है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन विद वेलोसिटी यू और लॉन्ग द प्लेन, तक टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 7/10 mu². नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी स्टार्ट इज गिवन बाय, तो इसका हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ r² / y² पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट इसका द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ऑन एज एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेटिंग फोर्स। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड डाउन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन देन एंगल ऑफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइव की वैल्यू होती है 10 φ इक्वल टू rn/f। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ए बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कोलिनियर फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, तब वो कहलाती है। नेक्स्ट है ए बॉल ऑफ मास एम रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड हैज सिंपल रेक्टिलाइन मोशन ऑफ वेलोसिटी वी, द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी जो वो होगी mv² / 1 + k² / r². नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डीलिंग विद द मोशन ऑफ फोर्सेस कॉजिंग इट इज नोन एज, तो इसको काइनेमेटिक्स का आंसर हो सकता है, बाकी देखिएगा।
The height of center of gravity of a solid cone with height h at a distance of dash dash from the center. तो इसका एल बाई फोर तो दो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा, हमने आपको पेपर वन मैकेनिकल इंजीनियरिंग UKTCA के सॉल्यूशन बताए। तो इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लगता है, और बाकी कोशिश की हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर सही हैं। अगर आपकी वीडियो आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आगे भी हम सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। थैंक यू।